राम से मैम साहब, राम से। अरे आपका ही ऑर्डर है, आराम से अंदर जाके खा लेना। निकिता, निकिता, ये सब क्या है? तुमने पिज्जा ऑर्डर किया? जाओ, जाओ। नहीं नहीं बेबी, मैंने नहीं ऑर्डर किया। नहीं नहीं, वो मैं पिज्जा। बस ये सब ना अब ड्रामा करने की जरूरत नहीं है। ये पक्का पता है, ये प्रेगनेंसी में ना तुम्हें क्रेविंग्स हो रही होंगी, और अपनी क्रेविंग्स को पूरा करने के लिए तुमने पिज्जा ऑर्डर किया। नहीं नहीं बेबी, तुम गलत समझ रहे हो। मैंने वो पिज्जा ऑर्डर बिल्कुल नहीं किया है। तुमने मुझे डाइट फॉलो करने को बोला है ना, मैं स्ट्रिक्टली वो डाइट फॉलो कर रही हूँ। मैं बाहर का कुछ भी नहीं खा रही और अपनी हेल्थ का ना पूरा ध्यान रख रही हूँ। अच्छा ऐसा है, अपना मुंह खोलो, मुझे स्मेल करना है। ये तुम कैसी बातें कर रहे हो, तुम मुझ पे शक कर रहे हो? हाँ कर रहा हूँ शक, अगर झूठी नहीं हो तो मुंह खोलो, मुझे स्मेल करना है। मुझे तो अभी भी डाउट हो रहा है कि ये पिज्जा तुमने ही ऑर्डर किया होगा, वरना ये डिलीवरी बॉय यहाँ पे क्या कर रहा है? तुम्हें कितनी बार समझा चुका हूँ कि ये सब मत खाया करो, ये वारिस है मेरा वारिस, और ये ना मुझे बिल्कुल हेल्दी चाहिए। अगर बाहर का ऐसी गंदमन खाओगी तो ये बिल्कुल भी हेल्दी और अच्छा पैदा नहीं होगा। अगर बर्थ के टाइम में इसमें कोई भी प्रॉब्लम हुई ना तो छोड़ूंगा नहीं मैं तुम्हें, याद रखना तुम मेरी बात। नहीं 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 बेबी, तुम गुस्सा क्यों कर रहे हो, प्लीज शांत हो जाओ। मैंने सच में पिज्जा ऑर्डर नहीं किया है, मैं पूरा ध्यान रख रही हूँ अपना, मैं बिल्कुल बाहर का नहीं खा रही हूँ। अगर तुमने ये पिज्जा ऑर्डर नहीं किया तो ये बुढ़ा यहाँ क्या कर रहा है? अबे ओ बुढ़े डिलीवरी बॉय, मेरी बीवी ने पिज्जा नहीं मंगवाया है तो तू यहाँ पे पिज्जा क्यों देने आया? अरे नहीं साहब नहीं, अरे मुझे लगता है ना मैं ना किसी गलत एड्रेस पे आ गया हूँ। अच्छा एक काम कर, ये पिज्जा दिखा। अरे नहीं साहब, ये किसी और का ऑर्डर है, हम इसे कैसे खोल सकते हैं? वैसे कौन सा पिज्जा है ये? ये ऑनियन पिज्जा है। ऑनियन पिज्जा? ऑनियन पिज्जा तो तुम्हें भी पसंद है ना बहुत। सच सच बता दो, ये पिज्जा तुमने ही ऑर्डर किया है ना? नहीं नहीं बेबी, मैंने ये पिज्जा ऑर्डर नहीं किया। अच्छा साहब मैं चलता हूँ, पिज्जा डिलीवर करने में देर हो रही है। मैं भी जा रहा हूँ ऑफिस, लेकिन एक बात ना अपने माइंड में बिठा लो, अगर बाहर का कुछ खाया ना तो सुनो बेटा, ये लो अब खा लो आराम से पिज्जा। अंकल आप यहाँ प्लीज, अंकल आप वापस जाइए, अगर मेरे पति ने आपको देख लिया ना तो फिर से मुझे बहुत सुनाएंगे, प्लीज आप वापस जाइए। अरे बेटा वो चले गए हैं, मैंने अपनी आंखों से देखा है, और मुझे अच्छे से पता है कि लड़कियों का ना बाहर की चीजें खाने का दिल करता ही हालत में। तुम आराम से पिज्जा खाओ, घबराओ मत। थैंक यू सो मच अंकल। मेरे मना करने के बावजूद भी तुम मेरी पीठ के पीछे से ये सब पिज्जा खा रही हो। मेरी फाइल यहाँ रह गई थी, मैं वो उठाने आया था, और यहाँ आया तो क्या देख रहा हूँ, तुम ये पिज्जा फिर से खा रही हो। तुम्हारी इतनी हिम्मत? रुकिए साहब सुनिए तो सही, अरे अपनी बीवी पे क्यों अत्याचार कर रहे हो? इस हालत में ना प्रेगनेंसी में लड़कियों का दिल करता है ये सब खाने का, और कभी कभार ये सब खाने से ना कोई प्रॉब्लम नहीं होती। तुम्हें क्या लगता है तुम अपनी बीवी को डरा धमका के रखोगे, वो तुम्हारी हर बात पे फॉलो करेगी तो तुम्हारा बच्चा हेल्दी पैदा होगा? अरे साहब आप ना गलत सोच रहे हो, इससे ना आपके बच्चे पर गलत असर पड़ेगा, क्योंकि तुम ना अपनी बीवी को मेंटली डिस्टर्ब कर रहे हो। अरे तुम्हें पता है इस हालत में ना बीवी को खुश रखना चाहिए, उसकी हर इच्छा पूरी करनी चाहिए, पर तुम उसे और प्रेशर कर रहे हो। अंकल शायद आप सही कह रहे हो, मैं ही पागल था, मैंने कभी सोचा ही नहीं कि मैं उसे इतना स्ट्रेस दे रहा हूँ तो उसके ऊपर क्या बीतती होगी, इतना स्ट्रेस लेके वो कैसे खुश रहती होगी, अगर वो खुश ही नहीं रहेगी तो हमारा बच्चा कैसे हेल्दी पैदा होगा। प्लीज मुझे माफ कर दो। बिल्कुल तुम्हारे घर ना खुशियाँ आने वाली हैं, खुशियाँ मनाओ, ऐसा मत करो। मैं तुमसे वादा करता हूँ कि आज के बाद मैं तुम्हें कुछ भी खाने से कभी नहीं रोकूंगा। तुम्हें पिज्जा खाना था ना, ये लो ये पिज्जा मेरी तरफ से खाओ। दोस्तों प्रेगनेंसी का टाइम ना औरतों के लिए बहुत नाजुक समय होता है, और हमें उस समय ना उनका ज्यादा ध्यान रखना चाहिए,
और कोशिश करनी चाहिए कि वो हमेशा खुश रहें। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करें, और हाँ लाइक और कमेंट करना मत भूलें। धन्यवाद।